अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। बहुत सारा आप सबके लिए दुआएं प्यार। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हुआ था इधर अपने घर। एक कबूतर का जो है ना, वो छोटा सा बच्चा आपको दिखाया स्टार्ट में, वो इधर था, तो उसको जो है ना मैं देखने आया हुआ था। तो अभी जी घर के काम जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि मिस्त्री भाई ने और काम ले लिया हुआ है एक वहाँ फिर से। तो हमारा वो नीचे मैं आपको जाके दिखाता हूँ, सीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैंने उनसे कहा भी था कि हमारा सीमेंट ख़राब हो जाएगा, वो जो इतना मंगवा के रखा है। तो वो कह रहे थे जी बस वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 month का काम है, हमने करके आ जाना है। तो पहले भी यही रूटीन रही है, अब भी यही कह रहे हैं। तो अभी मार्बल आ जाए मेरा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जैसे भी होगा, ज़बरदस्ती भी अगर लगाने पड़े तो लगाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं कहता हूँ चलें, उनकी भी रोज़ी रोटी का सवाल होता है, मैं थोड़ा दरगुजर कर जाता हूँ। तो भाई आवास वाला काम भी वो मैं चाहता हूँ कि छतें आ जाएं, उसके बाद ही मेरा स्टार्ट हो। मैं इस वजह से भी थोड़ा अभी चुप बैठा हूँ कि उनकी छतें आ जाएं, भाई आवास के घर की जो तैयार छतें मिलती हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद वो फाइनल कर देंगे, फिर मेरी तरफ आ जाएंगे, फिर टेंशन ही होगी। ये है जी फ्रंट वाले रूम का, ये ग्रूव लगवाए हैं मैंने, जैसे स्पेनिश घर के ग्रूव लगे होते हैं ना वैसे। और मेरा प्रोग्राम है इधर मोल्डिंग लगवाने का, इधर इधर मोल्डिंग, इधर भी मोल्डिंग लगवाने का। आइडिया दीजिएगा कैसा रहेगा मोल्डिंग लगवाने का। उसके बाद ये कमरा बनेगा, एक इस तरफ इस कॉर्नर में विंडो आएगी, एक फ्रंट पे जाएगी, इधर जैसा वो भी सामने बना हुआ है ना वैसा छोटा सा एक भी इधर भी बनेगा इस जगह पे, और ज़बरदस्त किस्म का माहौल बन जाएगा। और यहाँ फ्रंट पे जो है ना, जैसे स्पेनिश घर के वो होते हैं ना दरवाजे होते हैं, या बल्कि विंडो खिड़कियाँ होती हैं ऐसे गुलाई वाली, और 3 इधर देनी है सामने फ्रंट पे। स्पेनिश घर इंशाल्लाह टच देगा, स्पेनिश घर की लुक बनेगा। ये है जी वो बच्चा जो इधर है। बाकी बात जी ये कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, घर की कोई बात होती है तो मुझे सारे ये कहते हैं कि भाई फ़ियाज़ आपके घर में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ना वो बहुत लाजवाब किस्म की हैं, क्योंकि स्टेप बिल्कुल छोटे छोटे मैंने रखवाए हैं। ये आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बहन भाइयों ने शायद घर बनाना हो अभी, तो आइडिया हो जाता है। ये तकरीबन 4 से 5 इंच का स्टेप है और मेरी कोशिश है इसे 4 इंच का करवाने की, क्योंकि जब वो लगेगा ना मसाला वगैरह लगा के वो सेट कर लेंगे थोड़ा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के स्टेप बने हुए हैं ये देखिए, शायद आप लोग के हैं जी ये भाई फ़ियाज़, एम ही बोलते रहते हैं मिस्त्रियों का। तो ये देखिए हमारा सीमेंट, ये सारा आया पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बोरियाँ इधर पड़ी हुई हैं। हीरा बच्चे, ओए मेरा हीरा बच्चा, इधर आए मेरे प्यारा सा बच्चा, इधर आए, ओए मेरा शहजादा बच्चा, चाचू पास है ना, ओए माँ सदकी, ओए माँ सदकी, ओए माँ सदकी, ओए। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैं इधर आया था, मैंने कहा था कि हमारा ना परिंदों ने, कवों ने और चिड़ियों वगैरह ने काफ़ी नुकसान किया है, ये सारे सारे छिट्टे जो है ना ये खा गई हैं दाने वाले। अभी ये ताज़ा इस छिट्टे को खाया हुआ है सारा, ये चेक करें, यहाँ से यहाँ तक है, बाकी ऊपर से सारा ये जो है ना ये देखने ये खा गए हैं। तो मैंने बोला था ये काफ़ी नुकसान हमारा किया है इन्होंने, तो फिर आप में से कुछ व्यूवर ने ये कहा था कि भाई ऐसा नहीं बोलते, ये उन्होंने अपने हिस्से का निकाला है, अल्लाह ताला ने जो है ना बनाए हैं उन्हें भी, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा जो है ना, उन्होंने भी अपना पेट भरना है। तो देखिए जी ये नुकसान मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये ना नुकसान ही हुआ है ना एक किस्म का, ठीक है, अल्लाह ताला ने लिखा है वो खा रहे हैं, वो देख लें सामने अभी बैठे हुए, मैंने नहीं उन्हें कुछ भी कहा, वो सामने बैठे खा रहे हैं। तो मैंने नुकसान का इसलिए बोला था क्योंकि हमें इसमें बज़ाहरी तौर पर जो है ना हमें नज़र आता है ये नुकसान है, और हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर लिखा हो, जैसे हमारी गंदम में नुकसान हुआ था और तिली की फसल में फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये ना अपना ये कह लें, चलें जी माजरत, ये कह देते हैं जी चिड़ियों वगैरह ने ना अपना हिस्सा निकाल लिया इनमें से, ये चीज़। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, थोड़ी देर पहले ही आंधी आई है और अभी ठंडी हवा चल रही है, जैसे कहीं बारिश हुई होती है ना फिर आसपास के इलाकों में जिधर बारिश नहीं हुई होती तो वहाँ बहुत ठंडी हवा लगती है, तो आज बहुत ठंडी हवा लग रही है, ऐसे ही मौसम बना हुआ है जैसे सर्दियों में होता है। अच्छा जी एक बच्ची इधर इस टाइम रोती है, मुझे सोना है, एक बच्ची उधर सामने वो सोई हुई है, दोनों ये कहती है मैनू कोई ऊपर चीज़ भी दियो तो मैनू हिलाओ भी ना,
नहीं तो तुसी तो कह दिंदे सी असी हत्थ च रखनी सी झोली च नहीं पानी, ते जिदा हत्थ ये थोड़ा दो दिन तुसी आकड़ जाना सी, बच्चा ओदा नहीं काबू आंदा हुंदा, ये झलुंगी च आंदा वा। अच्छा जी हनेरी आई है तो सारी देखो डस्ट वगैरह आ गई, सवेरे होएगा सवेरे झाड़ू दियो। हाँ जी नाले ना वो छत ते रेत आ, रेत हुण पता क्यों आंदी आ, प्लेटा ते आके रेत हुंदी ना, हवा आंदी प्लेट तोड़ के फिर आ जांदी, ओदा नहीं आंदी। हाँ जी एक हमारी शहजादी उधर, एक शहजादी मैं सला रहा हूँ इधर, एक अब्बू जी सला के गए हैं। भाभी तुसी बिला वजह सोती सी, क्यों झूठ दिते ओनू, ओनू तुसी आदत पा रहे हैं इस तरह, इनू इनू जो इनू कोशिश करो इनू कम आजू ले दिया करो, ये तो हम तां सुन दिया करेगी, नहीं तो सारी ये तो क्या करेगी, मैं रोको ही ना इनू, वैसे इनू पैन दियो इनू। हुण मैं सलाना वा ना ये सौं गई, इन मैं इनू उठाना नहीं, आ देखो जी ये जागती है। ख्याल ना ख्याल ना ख्याल ना देखियो सही आटा उधर चला गया, तो इत्थे की रखना चूल्हे इधर रखने, इत्थे ठीक पर ना चटाई गंदी हो रही है, चटाई गंदी हो रही है मिट्टी की वजह तो, और ना होंगी नहीं गंदी क्योंकि अजकल जी मिट्टी आ रही है ना वो नहीं सही नहीं है। ना इस तरह करो मैं जन ले आना ना, तुसी एक कमरे का ना नाल मार्बल चुक लो, बादल चुक लो बादल, ये किन्ने वाला मैं तुम हमने बना देना, चंगा होंगे 20 रुपए 14 ला 280 280 रुपए 60 17,000 का 17,000 का बंद। हाँ जी मैं ला तो आप ही देना यार, जिवें दे मिस्त्री इत्थे लांदे आ ना काम करदे उवें दा असीं कर लांगे, मिस्त्री नूं बड़ा आउंदा हुण ओह आ साला काम सामणे ही है। हां जी ओह तां बेड़ा गर्क होया पिया उत्थे, उत्थे तां गड़ाई वाला वी हथ बन के चल जाऊगा, ओने वास्ते बनने पैर नूं। अच्छा आ फिर सेटिंग सही हो गई आ, ते आ इह ना थोड़ी थोड़ी हिलदी इन्नी की, खैर इन्नी की हुण इहने हिलणा ही हिलणा। हां जी इहदे नीचे पावे जे ना चले जाने, पावे किसे जाने यार, पावे इत्थे पेटी रखी दी हुंदी सी ना, तो ज़्यादा इतने तुम लोड़ ना ना ज़्यादा भी पाओ, फिर तो इन्हें होना ही होना ज़्यादा वजन ना पाओ, लेकिन ठीक है पावे कितने नहीं जानते, हूँ पुराने तो हो गए इन्ना भी वजन ना ना पाओ। हाँ जी दरमियान नहीं नहीं कितने नहीं जानते, हाँ जी उत्थे दे दी उत्थे सपोर्ट दे दी। हाँ जी क्लैपिंग करने लग पी, देख के चा चढ़ जाते भी चाचू आ गए, जाना ही छड़ना चा चढ़ जाते, ये हुण ना शरारती होई जांदी आ। चाचू बेटा चाचू जी मां दी पारी करे अब्बास ते ना करे, ओ पता ना मेरी दोस्त बननी है, दोस्त की चाचू दे मुंह ते दाढ़ी नहीं। हां जी ये भी मैं। अच्छा जी बच्चों के काम देखे, ये जाय नमाज रखा हुआ है, नमाज पढ़ते हैं, जिस दिन से अबू जी आए ना उमरे से तो वो जाय नमाज वगैरह जाय नमाज वगैरह लेके ना फिर वो नमाज पढ़ते हैं। अभी जैसा कि ये जाय नमाज पढ़ा है ताया जी भी आए हुए हैं, और वो फिर अब्बू जी भी नमाज पढ़ते हैं, ताया जी भी पढ़ते हैं, बाकी जितने भी सब पढ़ते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं जैसे हम लोग नमाज पढ़ते तो वो फिर देख के ना हमें भाग के आ जाते हैं, हमें भी जाय नमाज दें हमारा, हमने भी नमाज पढ़नी है, तो ये चीज़ वो अपना रहे हैं, तो वो ये चीज़ देख के मुझे खुशी होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और बस जी जितना हो सके ये अपने बच्चों को लगाना चाहिए नमाज रोज़े पे, ये जितना हो सके यही साथ जाना है, बाकी सब कुछ यहीं छोड़ जाना है हमने। तो इसी के साथ अपने व्लॉग एंड करते, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।